हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रत्नागिरी कॉलेज का रिव्यू। तो इस रिव्यू में हम लोग देखेंगे कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट ईयर और इस कॉलेज में कौन कौन से ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोवाइड कर जाती है, कॉलेज की फीस, हॉस्टल फैसिलिटीज और प्लेसमेंट। तो इन सारे टॉपिक पर आज का ये वीडियो होने वाला है। देखिए गाइस, जो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रत्नागिरी है, ये 2021 में यानी अभी हाल ही में इस्टेब्लिश हुआ है। इस कॉलेज का जो DTE कोड है वो है 342। यह कॉलेज एकदम न्यू है, इसलिए इसमें जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो सारी अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। अब देखते हैं कि कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। तो देखिए गाइस, जो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रत्नागिरी है, यह कॉलेज डी बाटू यूनिवर्सिटी यानी जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरे रायगढ़ है, उससे यह कॉलेज अफिलिएटेड है। अब देखते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से ट्रेड में आपको इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए गाइस, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रत्नागिरी, इस कॉलेज में आपको 5 इंजीनियरिंग ट्रेड में जो है वो डिग्री प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहला ट्रेड है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, सेकेंड वन है सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फोर्थ वन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जो फिफ्थ है वह है मैकेट्रॉनिक्स। देखिए गाइस, इस कॉलेज में जो सभी के सभी कोर्सेस है, जो ट्रेड्स है, वो एकदम न्यू है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को छोड़ के, क्योंकि यह ट्रेड जो है वो एकदम कोर ट्रेड है आपका पहले से ही, और जो बाकी ट्रेड है वह भी कोर जो ट्रेड थे उन्हीं से डिराइव्ड है। जैसे जो सिविल एंड इंफ्रा है, वो सिविल का ही 80-70% सिलेबस सेम ही है। अब देखते हैं कि इन ट्रेड्स की जो कि इनटेक कैपेसिटी कितनी है। जो सबसे पहला ट्रेड है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, उसकी इनटेक कैपेसिटी है 60। उसी तरह जो रिमेनिंग चारों ट्रेड्स है, जैसे कि सिविल एंड इंफ्रा, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेकेट्रॉनिक्स, इन सभी में सेम ही इनटेक कैपेसिटी है, दैट इज 60। सभी कोर्सेज का, सभी ट्रेड का ड्यूरेशन है वो है 4 साल, और इस पूरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में टोटल सीट्स है 300, यानी सभी के सभी 5 ट्रेड्स की मिलाकर जो सीट्स निकलती है वो है 300 सीट्स। अब देखते हैं कि कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए गाइस, जो फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है, अभी रिसेंटली 2022 के ट्रेंड से, जो कि फ्यूचर में स्लाइटली चेंज हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं होंगे, तो फर्स्ट ईयर 2022 में क्या हुआ था, फीस क्या थी वो हम लोग देखते हैं। देखिए गाइस, जो ओपन एंड जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फीस थी, टोटल फीस थी 24,701। तो ये फीस का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख सकते हैं, में ट्यूशन फी है, आपकी अदर फीस है, इंश्योरेंस है, जिम खाना फीस है, ये सारे मिलाकर आपकी 24,701 है। लेकिन अगर आप लोग ट्यूशन फीस की ही बात करें तो ये 15,000 थी ओपन जम्मू एंड कश्मीर के कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो लोग EWS एंड EBC कैटेगरी में आते हैं, यानी जिनके पास ये सर्टिफिकेट है EWS एंड EBC के, उनके लिए जो टोटल फीस थी वो थी 17,201 यानी 17,000। क्योंकि अगर ट्यूशन फी की बात करी जाए तो वो 7,001 ऐसी थी। अब देखते हैं जो नेक्स्ट कैटेगरी जो है SC और ST के स्टूडेंट, इन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो टोटल फीस थी वो सबसे कम है यानी 1,201। इनके लिए ट्यूशन फ्री एकदम जीरो है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो जो कैटेगरी OBC, VJNT, TWS और जो STC, PTC है, इन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो टोटल फीस है वो है 9,701। इस तरह से आपको सारे कैटेगरी के बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फीस इस कॉलेज में है। तो गाइस देखिए, ये सबसे कम फीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो ये हो गई फीस की बात। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है हॉस्टल फैसिलिटीज़। तो देखिए गाइस, जो कॉलेज है ये अभी अभी यानी 2021 में इस्टेब्लिश हुआ है, तो इसी वजह से ये फेज जो है वो डेवलपमेंट फेज में है इस कॉलेज। तो इस कॉलेज में क्या है कि जो कॉलेज की खुद की बिल्डिंग है वो अभी बन रही है, यानी उसका 2 मंजिले का काम फिलहाल तो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग ये फोटो में दे सकते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही शानदार बिल्डिंग है जो कि 1 से 1.5 या 2 साल में कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। और कॉलेज का खुद का कोई हॉस्टल नहीं है, लेकिन हॉस्टल फैसिलिटीज़ अगर बात करें तो कॉलेज अपने कुछ बच्चों को जो है, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का कॉलेज का हॉस्टल है उसमें अपने 15-15 बच्चों को रखता है, मतलब उनको ये हॉस्टल फैसिलिटी अलॉट की जाती है सिर्फ कुछ ही बच्चों को, और जो बाकी के बच्चे उन्हें अपने रहने के लिए खुद ही
रूम वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर रूम्स की कोई स्कार्सिटी नहीं है, यानी कि कमी नहीं है। अगर आप लोगों को दूसरे हॉस्टल चाहिए तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट का हॉस्टल है, समाज कल्याण हॉस्टल, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, और कुछ प्राइवेट हॉस्टल है 2 किलोमीटर दूर, और रूम्स भी अवेलेबल है, तो रहने का इतना कुछ इशू नहीं है। देखते हैं प्लेसमेंट फैसिलिटीज़। तो देखिए गाइस, प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ अभी ये कॉलेज न्यू बना है, इसलिए अभी तक यहाँ पर बच्चे फोर्थ ईयर में पहुँचे ही नहीं है, इसलिए इसका कोई प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। मतलब किसी भी बच्चे की अब तक प्लेसमेंट नहीं हुई है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब बच्चे फोर्थ ईयर में पहुँच जाएंगे तभी इसका प्लेसमेंट का जो है डेटा आप लोगों तक पहुँच जाएगा।